नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। बात करें हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिले की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ के मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ पर सुबह के वक्त हल्का कोहरा और धुंध, जबकि कुछ स्थानों पर ओसनुमा फुहार गिरने की भी संभावना है, और यहाँ पर रात के समय पाला गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे गेहूं की फसल के लिए काफी अनुकूल मौसम इन जिलों में देखने को मिलेगा। और दोपहर के वक्त बात करें हवा की, तो जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन जिलों में हवाएं चलेंगी। अब देख लेते हैं हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले को। जी हां दोस्तों, यहां के मौसम की बात करें तो भारी बदलाव इन जिलों के मौसम में भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी रात भर पाला गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। बात करें दिन के समय, जी हां दोस्तों, सुबह के वक्त ओसनुमा फुहार गिरने की संभावना और दोपहर के वक्त लगभग 40 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ अन्य जिलों में हवाएं और तेज वाइंड चलने की आशंका मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में जताई जा रही है। तापमान की बात करें तो दिन के समय अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक इन जिलों का पहुंच सकता है। अब देख लेते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले को। यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह और शाम में ओसनुमा फुहार गिरने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर उमस के कारण हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। बात करें दोपहर के समय हवा की गति की, तो जी हाँ दोस्तों, हवा की गति यहाँ पर भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हरियाणा के किसी भी जिले में 9 फरवरी को बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।